नमस्कार, स्वागत है आपका आपके क्लासेज में। आज मैं आपको एक नई ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे हम बहुत इजीली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणा कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। उसकी एक नई ट्रिक आज आपको बताने जा रहा हूँ, उसके कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ उसको। मान लो कि अपने को 33 और 38 को मल्टीप्लाई करना है। मान लो अपने को 33 मल्टीप्लाई 38 करना है, ये टू नंबर से इनको मल्टीप्लीकेशन करना है। तो सबसे पहले तो क्या करना है कि इनका एक बेस नंबर डिसाइड करना है। बेस नंबर का मतलब ये है कि 33 और 38 है वो कौन से नियरेस्ट 10 के पास है। मतलब 33 और 38 है वो अगर आप देखोगे तो 30 और 40 के बिटवीन आ रहे हैं, मतलब तो इनका बेस अपन 40 भी ले सकते हैं, क्योंकि जो 38 है वो 40 के नियर है, 40 के नजदीक है, और जो 33 है वो 30 के नियर है। तो आप बेस 30 भी ले सकते हैं और बेस 40 भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक बेस आपको चुनना है। तो मान लो मैंने बेस इसका 40 ले लिया, मान लो मैंने बेस ले लिया 40। तो ये जो बेस डिजिट है इसको आप अलग से लिख लीजिए, इधर बेस अब मैंने 40 ले लिया। 40 से इनका डिफरेंस देखना है कि कितना कितना डिफरेंस है। मतलब जो 38 है वो 40 से 2 कम है, 38 है वो 40 से 2 कम है, और जो 33 है वो 47 कम है। ठीक है, तो नीचे लिख लीजिए, जो 33 है वो 40 से -7 है, और ये जो 32 है वो -2 है। मतलब 33 40 से 7 लेस है, और जो 38 है वो 40 से 2 लेस है। ये दोनों नंबर लिखने के बाद में क्या करना है अपने को कि आप 38 में से 7 माइनस कर लीजिए, या फिर आप 33 में से 2 माइनस कर लीजिए। 38 में से अगर अपन 7 माइनस करते हैं तो अपने पास आता है 31, और अगर 33 में से 2 माइनस करते हैं तो भी आता है 31। मतलब दोनों सेम है। तो मान लो मैंने इसमें से माइनस किया, 38 में से 7 माइनस किया, तो अपने पास आता है 31। अभी जो नंबर आया अपने को, अपने पास जो ये नंबर आया, इस नंबर को अपने को इस बेस से मल्टीप्लाई करना है, 31 मल्टीप्लाई 40। तो 31 मल्टीप्लाई बाई 40। अब इसमें भी क्या है कि अपने को 40 से मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, 31 को केवल 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जीरो लगा देंगे अपन। तो 31 को 4 से मल्टीप्लाई करना काफी इजी हो जाता है, 4 1 4 4 3 12, तो अपने पास आ गया 1240। 31 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 124 आता है, और आगे जीरो पुट कर दिया तो 1240। इसके अंदर ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस का मल्टीप्लीकेशन कर करके प्लस कर देंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस का मल्टीप्लाई कीजिए तो -7 मल्टीप्लाई -2, तो ये अपने पास माइनस माइनस प्लस होता है, तो 7 2 आ गया 14। ये 14 यहाँ प्लस कर दीजिए तो अपने पास आंसर हो गया 4521, मतलब 1254 इसका आंसर हो गया। तो काफी इजी तरीके से ये ऐसे क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो अपने पास एक नंबर है 495, इसको मल्टीप्लाई करना है अपने को 503 से। 495 को 503 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें सबसे पहले अपने को बेस फाइंड करना है कि इनका बेस क्या है। तो देखिए आप, 495 और 503 है वो दोनों ही 500 के नियर है, 500 के नियर है, तो इसका बेस अपन 500 ले सकते हैं। तो बेस अपन लिया इसका 500, इसका बेस डिजिट ले लिया 500 ले लिया। तो अभी देखिए आप, 495 500 से कितना कम है, तो ये -5 कम है, तो ये आप नीचे -5 लिख लीजिए। और जो 503 है वो 500 से कितना ज्यादा है, ये ज्यादा है ना 500 से, बड़ा नंबर है, तो ये 3 ज्यादा है, तो +3 कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे +3। उसके बाद मैंने आपको बताया कि 503 में से 5 माइनस कर लीजिए, या 495 में 3 प्लस कर लीजिए, रिजल्ट इज सेम। तो मान लो 503 में से 5 माइनस किया, तो 503 में से 5 माइनस करेंगे तो 498, तो यहाँ लिख दीजिए 498। इस 498 को इस बेस से मल्टीप्लाई करना है अपने को, तो मल्टीप्लाई बाई 500। अब 500 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है कि अब 498 को केवल 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में 2 जीरो पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास आ जाएगा 8 5 जा 40, 4 कैरी हो गया, 9 5 जा 45, और 4
49, 4 कैरी, 5 4 जाए 20 और 4 24, 2490 और आगे 20 पुट कर दीजिए इसके, आगे 20 पुट कर दिया, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन का भी इजी है, इसका मैंने ट्रिक भी बताया आपको शॉर्ट, उससे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, और वैसे डायरेक्ट करो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या बताया, ये जो अपन ने डिफरेंस निकाला था, इस डिफरेंस का मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, तो माइनस फाइव को आप थ्री से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस फाइव मल्टीप्लाई थ्री कितना आएगा, फाइव थ्री जाए 15 होता है, थ्री प्लस का और फाइव माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 15, ये जो माइनस का 15 आया ये इसमें से माइनस कर दीजिए, तो 15 माइनस कर दीजिए इसमें से, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 5 9 8 2 4, 10 में से यहाँ पे सॉरी यहाँ थोड़ा गलती हो गया, यहाँ पे 8 लिखिए आप, यहाँ पे 8 आएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास 2 4 8 9 8 5, दैट इज योर आंसर। तो इजीली किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती इसके अंदर, और बहुत उपयोगी है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी अपन बहुत इजीली इससे कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको, उसके बाद में आपके बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मान लो अपने को एग्जाम्पल एक और दे रहा हूँ इसमें, मान लो अपने को 1004 को मल्टीप्लाई करना है 998 से, 1004 को मल्टीप्लाई करना 908 से, 998 से ऐसे करेंगे। सबसे पहले बेस फाइंड करना है इसका, तो सबसे पहले बेस क्या लोगे आप, 998 और 1008 दोनों ही 1000 के नियर है, तो बेस 1000 ले लीजिए यहाँ पे, तो बेस ले लिया यहाँ पे अपने 1000। अब देखिए कि 1004 है वो तो प्लस ज्यादा है, वो तो 1000 से 4 ज्यादा है, तो इसका तो डिफरेंस ले लेंगे प्लस 4, और 998 है, 998 है वो 1000 से 2 कम है, तो इसका बेस हो जाएगा, इसका जो डिफरेंस हो जाएगा माइनस 2, ठीक है। अब देखिए आप 998 में 4 प्लस कर दीजिए, 998 प्लस 4 ये आ जाएगा अपने पास 1002, और अगर आप इन दोनों डिजिट्स को लेते तो भी 1004 में से आप 2 माइनस करते तो अभी 1002 ही आता। अब ये जो आंसर आया अपना, इसको 7000 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो 1002 मल्टीप्लाई 1000 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 पुट करनी आगे, तो 1002 को 1 से करेंगे तो 1002 ही आएगा, और आगे 30 पुट कर दिया, ठीक है। अब करना क्या है अपने को, अब अपने को ये जो डिफरेंस है इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 4 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 तो यह आया माइनस 8, 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस का 4 माइनस का 2 तो प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 8, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, इसमें से माइनस कर दीजिए इसको, 10 में से 2 9 9 1 1 0 0 ये आंसर हो गया। तो इस मेथड से अपन बहुत इजीली किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया जा सकता है इससे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज की ट्रिक में मैंने आपको एक नया मेथड बताया मल्टीप्लीकेशन का, अगले वीडियो के अंदर आपको फिर से कोई एक नई ट्रिक बताऊंगा मैं, मल्टीप्लीकेशन की हो सकती है, डिविजन की हो सकती है, स्क्वायर की हो सकती है, स्क्वायर रूट फाइंड करने की, क्यूब रूट, ये सारी ट्रिक्स मैं आपको नंबर से बताते जाऊंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।